the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again literally is confusion hai ki heart andar rhythm problem low blood pressure dharkan kam ho jana पेस मेकर लगा देने से सॉल्व हो जाएगा पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेस मेकर जनरेट कर लेने से हो जाए देखो पेसमेकर और देर आर सम कॉन्सेप्ट जो आपको समझने जरूरी है नंबर वन के हार्ट को हार्ट के अंदर एक तो होती है रिदम रिदम इज मतलब एक पर्टिकुलर रिदम चल रही है और एक होता है रेट रिदम सेम होके रेट बढ़ सकता है राइट right? रेट बढ़ सकता है रिदम खराब हो गया मतलब रिदम में कुछ गड़बड़ आ रही है वो रिदम में गड़बड़ आ रही है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिदम में गड़बड़ क्या है रेट में गड़बड़ क्या है एंड नंबर टू एक पेस मेकर इज जस्ट लाइक एक अगर दिल की धड़कन कम हो जाती है तो वो बढ़ा देता है मतलब वो ओवरटेक कर लेता है आपकी खुद के रेट को हार्ट का रेट अगर स्लो हो गया थर्टी हो गया तीस हो गया तो वो चालीस हो गया चालीस हो गया तीस हो गया तो वो क्या करते हैं एक तार डाली जाती है जो कई बार या तो नीचे पैर से एक आ, सुई से, एक सुई 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 से लगाते हैं के थ्रू तार डाली जाती है या फिर यहां ऊपर से तार डालते हैं वो दिल के अंदर जाती है राइट साइड के हार्ट के अंदर तो राइट साइड के हार्ट के अंदर तार जाती है लिटरली हार्ट के अंदर उसके चेंबर में घुस के चेंबर वॉल को टच करती है वो चेम्बर वॉल को टच करती है जो तार उससे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जाता है वहां पर पंप होने का पंप करने का थिचीं, थिचीं, थिचीं। तो अगर हार्ट रेट स्लो हो गई तो ये पंप कर देगा अगर स्लो हो गई तो ये पंप कर देगा अगर ही चल रही है तो ये उसको पेस्ट रिदम हो जाएगी मेकर का काम है पेस्ट रिदम पेस पेस्ट मतलब पेसमेकर धड़कन बढ़ा देना पेस मतलब पेस मतलब स्पीड तो स्पीड बढ़ा देना पेसमेकर मतलब जस्ट फॉर हार्ट की रेट बढ़ा देना हार्ट रेट बढ़ा देना ओनली फॉर ब्रैडी कार्डिया ओनली फॉर ब्रैडी कार्डिया दैट टू अगर अब होगा क्यों ये ब्रैडी कार्डिया होगा क्यों ये ब्रैडी कार्डिया द कॉन्सेप्ट इज बिटवीन द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इट सेल्फ ओरिजिनल नेचुरल पेस मेकर है हार्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड जो कि हार्ट के राइट साइड के, right के हार्ट के ही ऊपरी हिस्से में होता है वहां से वो सिग्नल भेजता है पूरे हार्ट को पंप होने के लिए राइट right? हार्ट के अंदर कायदे से दो तीन चार पेसमेकर्स हैं एक है ऐसे नोड एक है एवी नोड एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो ऊपर वाले और नीचे वाले हार्ट के बीच में है यहां से सिग्नल जनरेट होते हैं एवी नोड को जाते हैं एवी नोड से सिग्नल जनरेट होकर नीचे बंडल ऑफ हिस को जाते हैं कांडल नोड भी करता है और मायोकार्डियम भी करता मतलब हार्ट खुद भी रेट जनरेट कर सकता है लेकिन इनके सब की बेसिक रिदम अलग है बेसिक स्पीड अलग है क्या समझे मान लो जैसे के मान लो मान लो कि आप लोग हाथ पकड़ के चल रहे हो चार लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं दौड़ रहे, है रहे हैं रेदर एक की स्पीड बहुत तेज है और वो बहुत तेज तेज सबको खींच के ले जा रहा है ठीक है वो है अपना ऐसे नोड ऐसे नोड की स्पीड बहुत तेज है वो सत्तर अस्सी नब्बे की स्पीड में दौड़ रहा है और तो वो सबको हाथ पकड़ के ले जा चलो 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 हमारे साथ चलो अगर ऐसे नोड काम ना करे अगर ऐसे नोड काम ना करे या उसका दूसरों से हाथ छूट जाए तो बचा कौन तो एवी नोड बंडल बाकी तीन जो बचे हैं ना उनकी स्पीड कम हो जाएगी फिर जंक्शनल रिदम जो है वो चालीस 50 40 50 रह जाएगी 40 50 की रिदम रहेगी एवी नोड एवी नोड जंक्शन में एवी नोड से जनरेट होने वाली मतलब मेन स्पीड वाला या तो थक गया है या तो थक गया है या तो छूट गया पीछे हाथ छूट गया इलेक्ट्रिकल सर्किट टूट गया समथिंग लाइक दैट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक समझ लो एवी डिसोसिएशन तो ऐसे में <laughs> दूसरे बंदे की स्पीड पर चलने लग जाती है गाड़ी ए वी नोड के एवी नोड की स्पीड चालीस से पचास अब अगर मान लो एवी नोड भी फुस हो गया वो भी थक गया या वो भी वो भी खराब हो गया बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मे बी हार्ट के अंदर मायोकार्डाइटिस हो गया है इन्फेक्शन हो गया है एक एक हिस्सा खराब होते जा रहा है तो फिर कौन बचा वो बंडल ऑफ हिस और मायोकार्डियम खुद काम करने लग गए भाई कुछ तो चलेगी चलेगी हम रुकेंगे नहीं बिकॉज हार्ट रुका तो तुम रुक गए गए तो इसलिए रुकेंगे नहीं है ना तो वो चलते रहते फिर तीस पैंतीस तीस पैंतीस तीस चक्कर आ गया ओके ठीक पैंतीस चक्कर आ गया क्योंकि अब इस स्पीड में पैंतीस की स्पीड तीस पैंतीस या कई बार उससे भी कम के इसमें आपका हार्ट इतने धीरे धड़क रहा है इट माइट नॉट बी जनरेटिंग इनफ ब्लड प्रेशर समझ रहे हो कैसे हो रहा है लो ब्लड प्रेशर इस केस में लो ब्लड प्रेशर होगा जब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा जब बहुत ज्यादा हार्ट रेट कम होगा पैंतीस तीस के आसपास से नीचे तब लो ब्लड प्रेशर होगा इसका मतलब यह नहीं है कि जिसको भी लो ब्लड प्रेशर होता है उसको यह है नहीं लो ब्लड प्रेशर हाइपोथायराइड केस में भी हो सकता है जिसकी थायराइड की एक्टिविटी कम है जो कई का, लोगों को डिहाइड्रेशन से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है कई लोगों को हाइपोनेट्रीमिया से भी हो सकता है सोडियम ही कम है कई सारे कारण हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर के चोट लग गई खून निकलते जा रहा है हाँ खून निकलते जा रहा है हाइपो वॉल्यूमिया वॉल्यूमिनिया ब्लड में लो ब्लड प्रेशर हो रहा है इन्फेक्शन हो गया है खून की नसें पोरस हो गई हैं पोरस खून की नसों से सारे चमड़ी के नीचे खून आ गया है खून की नसों में खून नहीं है तब भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है सो so, लो ब्लड प्रेशर का एक ही कारण नहीं है कि हार्ट रेट स्लो हो जाएगी लेकिन अगर आपके पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर है और उसकी दिल की धड़कन तीस है तो बिल्कुल सही है उसको पहला धड़कन बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगेगा राइट एट्रोपिन धर 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 धड़कन भागने लगेगी अगर तब भी नहीं भाग रही है एट्रोपिन से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कारण रिवर्सिबल नहीं है तब लगता है पेसमेकर टेम्प्ररी पेसमेकर और फिर टेम्प्ररी पेसमेकर के बाद परमानेंट पेसमेकर अगर कोई करेक्टेबल रीजन करेक्ट नहीं हो पाता है तो पेस so, मेकर का ये फंडा है कन अपने फंडे क्लियर करो करो एवरी हाइपोटेंशन एवरी धड़कन प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ नॉट सॉल्व बाय पेस मेकर अगर किसी की धड़कन तेज भाग जाती है तो उसमें पेसमेकर कुछ नहीं कर सकता पेस मेकर तो पेस जनरेट करेगा धड़कन बढ़ाएगा बड़ी हुई धड़कन को नहीं ठीक करेगा वॉट वी कैन डू समाइम्स अगर धड़कन बड़ी है और रिदम प्रॉब्लम हो रहा है एक थेरेटिकल चीज बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली अब करी नहीं जाती है थेरेटिकल चीज है कि ज्यादा नहीं करी जाती कभी कभी कर सको सक, कोई सुनने में आ सकता है कि मान लो धड़कन रिदम प्रॉब्लम है तगड़म तगड़म रिदम प्रॉब्लम चल रही है और रिदम प्रॉब्लम आपकी धड़कन चल रही है 120 और रिदम प्रॉब्लम चल रही है कुछ ना कुछ रिदम इशू है उसमें क्या होता है द आइडिया इज टू ओवर ओवर राइड दैट रिदम रिदम प्रॉब्लम मतलब कोई एक नया बंदा आ गया हाथ पकड़ने की नहीं अब मेरी स्पीड में चलो समझ रहे हो हाथ पकड़ के दौड़ा रहा है मेरी स्पीड में चलो मेरी पॉइंट इज कि उनको वो पर्सन को हटाओ ताकि भाई वो जो दूसरा वाला है ऐसे नोड वो टेक ओवर करे हिसाब है तो वो करने के लिए या तो फिर सबको हॉल्ट करो रुक जाओ हार्ट को रोकना पड़ता है झटका दे के ढचा बोधा ना झटका झटका देके रोकना पड़ता है हार्ट रुक जाता है फिर उसके बाद अपना चालू होता है ऐसे नोट डाई नोड मई हूं आई एम द बॉस लेट्स गो फिर नहीं देन सेकेंड मेथड मेकर डाल के पेसमेकर के थ्रू सब उस जो फौरन रिदम चल रही है उस रिदम से भी तेज तेज स्पीड स्पीड बढ़ा बढ़ा दो बढ़ा दिया तो कई बार ओवर राइड हो जाती है ओवर राइड हो जाती है राइट सो देर आर थिंग्स विच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि कैसे काम करता है हार्ट कैसे काम करता है पेसमेकर और कैसे काम करती है धड़कन की अब ऐसे केसेस में जब धड़कन बहुत ही तेज हो जाती है कई बार इंजेक्शन देने पड़ते हैं ये कार्डियो वर्जन बोलते हैं इसको कार्डियो वर्जन या तो शॉक डीसी कार्डियो वर्जन डीसी मतलब डायरेक्ट करंट करंटे यार करंट पेशेंट हिल रहा है बहुत जोरदार राइट शॉक देते हैं वो डायरेक्ट करंट कार्डियो वर्जन या फिर इंजेक्शन से मेडिकल कार्डियो वर्जन भी होता है उसमें कुछ इंजेक्शन आते हैं ऐसा भी इंजेक्शन है जो एक सेकंड के लिए हार्ट रोकता है ऐसा भी इंजेक्शन है धीरे 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 रिदम करेक्ट करता है राइट समथिंग लाइक कॉड्रोन समथिंग लाइक एमियोडोर राइट समथिंग लाइक सो दे करते हैं बहुत सारी चीजें हैं सो द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट राइट आई होप यू अंडरस्टूड इसको और समझने के लिए आप हमारे uh, uh, टेकि कार्ड पालपिटेशन वाले वीडियो देखना अगर पालपिटेशन की स्टडी करनी है तो बेस्ट ऑप्शन अगर स्टडी मतलब uh, आपको देखना है कि आपके इसमें कौन सा है तो बेस्ट टेस्ट इज होल्टर होल्टर इज अ 24 फोर आवर लॉन्ग ईसीजी जिसमें पता चलता है उस पूरे टाइम पे आपके हार्ट में हो क्या रहा है धड़क धड़क फड़क 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 एग्जैक्टली क्या हो रहा है एवरीथिंग इज क्लियर इन दैट टेस्ट तो होल्टर मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सो दिस इज एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट वट इट इज ई एंड ऑल मेक श्योर भैया शेयर कर करके जाना है ठीक है नॉट फॉर मी नॉट फॉर योर सर्व इट्स फॉर द एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड जो बेनिफिट करेगा इस नॉलेज से सो शेयर दिस वीडियो लाइक द वीडियो एंड इफ पॉसिबल लाइक एवरी सिंगल वीडियो ऑफ माइंड व्हाट्स एवर यू वॉच और इवन इफ यू डोंट वॉच यू कम अक्रॉस डू दैट